नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। संजौली जनता कर्फ्यू का एक मिसाल बना रोहतास से जिला रिपोर्टर राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। रोहतास जिला के संजौली प्रखंड में मोदी सरकार के आह्वान पर प्रशासन के सहयोग से जनता कर्फ्यू पूरी तरह सफल रहा। ग्रामीण जनता को कोरोना वायरस को भगाने के लिए भरपूर सहयोग किए और थाली ताली बजाकर मंदिर की घंटी बजाए, रात्रि में दीप जलाकर पूरी सतर्कता के साथ इसे निभाया गया। हमारे जिला रिपोर्टर राजेश कुमार सिंह ने अपने क्षेत्र का दौरा किया तो प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात की। संजौली PMCH का में जाकर NM हिंदू कुमारी से बात की तथा आम जनता की राय लिया। ये देखते हैं। संजौली जनता कर्फ्यू का एक मिसाल बना रोहतास से जिला रिपोर्टर राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। रोहतास जिला के संजौली प्रखंड में मोदी सरकार के आह्वान पर प्रशासन के सहयोग से जनता कर्फ्यू पूरी तरह सफल रहा। ग्रामीण जनता को कोरोना वायरस को भगाने के लिए भरपूर सहयोग किए और थाली ताली बजाकर मंदिर की घंटी बजाए, रात्रि में दीप जलाकर पूरी सतर्कता के साथ इसे निभाया गया। हमारे जिला रिपोर्टर राजेश कुमार सिंह ने अपने क्षेत्र का दौरा किया तो प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात की। संजौली PMCH का में जाकर NM हिंदू कुमारी से बात की तथा आम जनता की राय लिया। ये देखते हैं। संजौली जनता कर्फ्यू का एक मिसाल बना रोहतास से जिला रिपोर्टर राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। रोहतास जिला के संजौली प्रखंड में मोदी सरकार के आह्वान पर प्रशासन के सहयोग से जनता कर्फ्यू पूरी तरह सफल रहा। ग्रामीण जनता को कोरोना वायरस को भगाने के लिए भरपूर सहयोग किए और थाली ताली बजाकर मंदिर की घंटी बजाए। करीब करीब 100% आदमी घर से बाहर नहीं निकला है, न रोड पर वाहन चलती है। अभी हम लोग 5:10 पर तालियां बजाए हैं और थाली बजाकर मतलब कि कोरोना को भगाने के लिए मंदिर में भी घंटी बजाए। शिव मंदिर में हर मोहल्ले और हर टोले में आज घंटी और छिपा बजा है, इसलिए हम लोग सहमत है। ऐसा मतलब कि प्रधानमंत्री का कर्फ्यू जो जनता कर्फ्यू है सफल हो गया, सफल हो गया है। कोरोना को भगाने के समर्थन में पूरा गांव संजौली समर्थन दिया है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। इंदु कुमारी NM। क्या है आप? NM है। अच्छा, हमको इस बात का जानकारी दीजिए कि आज हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आया है कोरोना से संबंधित? जी हाँ आया है। अभी उस वहाँ मतलब सर्दी खांसी बुखार मतलब ये सब कुछ नहीं था, बताया कि हम लोग बाहर से आए हैं। कहाँ से? बाहर से मतलब? मतलब राजस्थान से, मुंबई से, यही दो जगह से बताया। अच्छा। कि हम लोग आ रहे हैं, गांव वाला जो है तो हम लोग को जाने नहीं दे रहा है। जो वार्ड है जो बुकनाव का, अभी तो जस्ट 3 लड़का आया। अच्छा, क्या नाम था उसका? नाम तो नहीं पूछे। आप मतलब रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किए कुछ? नहीं, हम मुंह से पूछे ना कि आप लोग का कोई दिक्कत है, खांसी है, जुकाम है, तो मगर नहीं मैडम कुछ है ही नहीं। अच्छा। लेकिन मतलब उन लोगों का दबाव के चलते हम लोग आए कि जाके हम लोग मिल लिया। जैसे आपके पास कोई मशीन है जो मतलब टच करके देखा जाता है? हमको वैसा तो मिला नहीं है। डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब को बुला देते हैं तो बताइए कोई दिक्कत है? तक नहीं, कुछ दिक्कत है ही नहीं। फिर वो लोग चला गया। इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा मतलब हम नहीं थे, मतलब दूसरी NM का ड्यूटी था, उनके ड्यूटी में 2 लोग आए थे, लक्ष्मीपुर का था, एक बेनसागर का लोग आए थे। क्या मैंने सब क्या निकला? उन लोग में कुछ नहीं निकला। अच्छा, मतलब कि संजौली प्रखंड में ऐसा कुछ भी नहीं? आज नहीं, कुछ भी नहीं निकला। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज पूरी तरह से दुकान बंद पड़ा हुआ है।